हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम अहमद। आज इस क्लास में इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे चार सेपरेशन के आधार पर। चार सेपरेशन जो है, इसके पहले जो बताए थे उसके आधार पर जो है हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे एलिमेंट का, आयन का और कंपाउंड का। तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी। विद्यार्थियों, वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है और क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि वो पूरी तरह समझ में आए। जैसे चलते हैं इक्विवेलेंट वेट, या इसको WT या E से डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम या एलिमेंट, तो इसका जो है फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ AL, तो AL पर जो बताए थे, AL पर कितना चार्ज होता है, 3+, ये चार्ज है। वैलेंसी इसका हो गया 3 हुआ। एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27 और वैलेंसी 3 हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का हुआ 9। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक वेट 16 और O2- बताए थे चार सेपरेशन में, तो इसका वैलेंसी हो गया 2, तो ये हुआ आपका 8। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन तो 1/ चार्ज इस पर क्या होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा, तो इसका वैलेंसी हो गया, चार्ज होता है हाइड्रोजन पर +1+1+, तो इसका वैलेंसी क्या हुआ, 1 हुआ 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, तो सोडियम में जो बताए थे Na+, तो यहाँ ऑक्सीडेट, यहाँ पर जो है आपका चार्ज है 1+, +- को हटा देंगे तो वैलेंसी मिल जाएगा, इसका वैलेंसी हुआ 1, तो इसका एटॉमिक वेट होता है 23/1। ये थे, तो इस तरह एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं। अगर कैल्शियम का निकाले इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का होता है Ca2+ होता है, तो एटॉमिक वेट होगा 40 बट्टा 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 20 हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, आयन है तो कौन सा वेट होगा इसमें, आयनिक वेट बाय चार्ज, जो चार्ज दिया रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे। आयनिक वेट बताए थे, एक आयन में जितना एटम्स होता है, जैसे ये है कार्बोनेट आयन है, चार्ज सेपरेशन में इसको बताए थे कि इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, तो इस आयन में जितना एटम्स है सबका एटॉमिक वेट जोड़ देते हैं, तो कार्बन का 12 एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का 16, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर 48 × 12 = 60 हो गया आयनिक वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट का होता है CO3 2-, तो इसका आयनिक वेट हो जाता है 60 बटा चार्ज हो गया 2, इसका 30 हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3+, ये भी तो आयन है, आयनिक वेट इसमें एक ही एटम है एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक वेट को लिख देंगे 27 बटा चार्ज हो गया, कितना हो गया 9 हुआ।
इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट, ये फॉर्मूला लिखे थे चार्ज सेपरेशन में, इसको सल्फेट आयन बोलते हैं। तो सल्फर का हुआ कितना 32, और ऑक्सीजन का हुआ 64, ये होगा 96, और बाई चार्ज है 2, तो ये हो गया 48। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जैसे NO3- इसको लिखे थे नाइट्रेट आयन चार्ज सेपरेशन में, तो 48 ये नाइट्रोजन का हुआ 14, ये हो गया 48, ये 62 हो रहा है, तो आयनिक कोटि में 62/1 बराबर क्या हो गया। उसी तरह अगर इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन आयन निकालते हैं तो आयनिक वेट हुआ 16/2 कितना हुआ 8 हो गया। तो इस तरह आयन का इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड तो कंपाउंड में एसिड होगा जो एच प्लस आयन देता है, जो एच माइनस आयन देता है बेस, और एसिड और बेस से रिएक्शन कर जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं सॉल्ट बोलते हैं सॉल्ट। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो ये जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव आयन जोड़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ नेगेटिव आयन, तो इसको चार सेपरेशन करके अलग अलग कर सकते हैं। पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन को अलग अलग करके चार सेपरेशन की मदद से हम इक्विवेलेंट वेट आयन का ले सकते हैं। अभी आयन का इक्विवेलेंट वेट होता है आयनिक वेट बटा चार्ज, जिसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट NaOH। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन इसका चार्ज सेपरेशन करते हैं NaOH का NaOH, तो ये जो है Ba, अगर X है तो X प्लस, Y है तो Y माइनस, तो OH एक होता है तो 1 है तो प्लस, Y 1 है नहीं देखा जाए 1 है तो एक आपका माइनस, तो Na प्लस OH माइनस, ये पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव आयन है, तो ये होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव आयन, माने इक्विवेलेंट वेट ऑफ कौन सा हो गया Na प्लस और जोड़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ नेगेटिव आयन OH माइनस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस। आयन का इक्विवेलेंट वेट होता है आयनिक वेट बटा चार्ज, आयनिक वेट इसका क्या हो गया 23, इसमें एक ही एटम है सोडियम, उसका एटॉमिक वेट को लिख देंगे, और चार्ज कितना है 1 हुआ, OH का हुआ आपका आयनिक वेट 16 × 17/1, तो ये आपको आ जाता है 23 + 17, जीरो 40 हो गया। जैसे इक्विवेलेंट H2SO4 का, इसको हम अलग अलग कर देंगे चार्ज सेपरेशन करते हैं H2SO4, हाइड्रोजन और प्लस होता है, अब इसको करेंगे SO4 एक है तो 1 है तो प्लस, और Y है तो यह है 2-, तो इसको अलग अलग करते हैं तो H प्लस 2 है और SO4 पर चार्ज होगा 2-, तो पॉजिटिव आयन ये हुआ और नेगेटिव आयन ये हुआ। अंक को न लेना है केवल आयन को लेना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव आयन H प्लस, हालांकि यहाँ 2H+ आयन देना है, 2H+ नहीं लेना है केवल पॉजिटिव आयन को लेना है, आ जोड़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2-, तो इसका 1 आयनिक का चार्ज भी 1 हो गया, जोड़ इसका होता है 64/96 हो गया 96/2,
इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 1 + 48 = 49। इस तरह हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट Na2CO3 इक्विवेलेंट वेट। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन हम देख लेते हैं इसमें। Na2CO3, अब सोडियम पर होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर जो है बी है, एक्स कितना है, ये वाई है, एक्स है तो एक्स प्लस, वाई है तो वाई माइनस। अब देखिए अगर हम चार से अगर इसको एक्स मान लेते हैं तो इस पर आ जाएगा 3+। हालांकि सोडियम पर कितना होता है, एन ए प्लस होता है, तो इसका मान ये कि एन ए प्लस होता है। हमने इसको अगर मान ले कि 3 यहाँ ले जाते हैं, इसी को एक्स मान लिया तो 3+, ये गलत हो रहा है। इसका मान लीजिए 3 जो है एक्स नहीं है, यानी CO3 क्या है, एक ए है, तो एक्स कितना है 1, तब ये सही जा रहा है 1 आ जाएगा और ये हो गया 2-, तो एन ए प्लस, तो ये मिलता है 2Na+CO3 2-, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इसी को ले लेना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव आयन Na+ इक्विवेलेंट वेट ऑफ नेगेटिव आयन CO3 2-, तो ये हो गया आयनिक वेट 23/1 और ये हो गया 48/60 60/2, तो 23+30 ये हो गया 53। इक्विवेलेंट जो है CaCO3 का, तो इक्विवेलेंट वेट पॉजिटिव आयन अगर चार सेपरेशन करते हैं CaCO3, CA पर होता है 2+ होता है, तो यह नहीं दिखाई दे रहा है। अगर एक पर भी चार्ज मालूम है तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव इस पर होगा, तो कैल्शियम पर 2+, यहाँ 2 जो है कट चुका है, तो इस पर 2+, इस पर क्या होगा 2-, जितना पॉजिटिव आयन हो, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो इसका पॉजिटिव जो है आयन हो गया इक्विवेलेंट ऑफ Ca2+ और जोड़ इक्विवेलेंट ऑफ CO3 2-। इसको चार सेपरेशन में बताए हैं कैसे 2 कैंसिल हो जाता है, जब फॉर्मूला लिखते हैं तो जो है इसका ये कट जाता है, 2-2 कट जाता है तो 1-1 आ जाता है, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो है अगर एक पर भी याद है इस पर तो उतना ही इस पर होगा, या इसको याद है CO3 पर 2- होता है तो इस पर 2+, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि टोटल जो कितना होता है 0 होता है। तो कैल्शियम का हुआ 40/2 और ये हो गया 60/2, 20+30 ये हो गया 50। तो इस तरह जो है इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का, ये भी सॉल्ट है, पहले हम निकालते हैं एसिड बेस का, सॉल्ट का हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इसको कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेकेंड तरीका बताते हैं इसमें। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, इसमें भी चार सेपरेशन की मदद लेना पड़ेगा, बाय टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन या और नेगेटिव आयन। तो जितना पॉजिटिव, जितना चार्ज जो है पॉजिटिव आयन पर होगा उतना ही क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि दोनों का जोड़ 0 आना चाहिए,
तो पॉजिटिव आयन टोटल चार्ज यहाँ पूछ रहा है पॉजिटिव आयन पर या नेगेटिव आयन पर। तो अगर मान लें कि हम कोई भी लेते हैं जैसे CaCO3 ले लिए, तो इस पर 2+ है तो इस पर भी 2- है, तो यहाँ माने कि टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कोई ले लेंगे उसे डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे आ इस पर पॉजिटिव आयन पर टोटल चार्ज या नेगेटिव आयन पर टोटल चार्ज लेके डिवाइड कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। जैसे इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं Na2CO3, अब इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, सोडियम है 2 सोडियम है तो सोडियम कितना होगा 23 है इंटू 2 प्लस CO3 कितना हो गया 60 हो गया 12 और 48 60 ये 46 प्लस 60 6 और 6 10 106 मोलिकुलर वेट हो गया 106 अब 22 टोटल चार्ज हमको निकालना है। अब इसमें जो है Na2CO3 दिया है तो इस पर तो प्लस होता है प्लस होता है तो 3 नहीं होगा, इसका माने को CO3 ए है तो 1 होगा तो प्लस, ये वाई है तो ये 2-। अब इसको हम करते हैं अलग अलग करते हैं तो Na पर क्या है प्लस है 2Na और CO3 पर क्या है 2-, तो टोटल चार्ज नेगेटिव आयन पर कितना है 2- हुआ। आप पॉजिटिव कितना है यहाँ पर देखिए 2 सोडियम 1 सोडियम पर कितना है 1+, तो 2 सोडियम पर कितना हो गया है कि नहीं कितना हो गया 2+ इस पर हुआ और इस पर कितना है 2-, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा +2 -2 0 हो जाएगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2+, नेगेटिव चार्ज कितना हो गया 2-, यानी हो गया 2 से डिवाइड कर देंगे पॉजिटिव आयन का हो या नेगेटिव आयन का 2 से डिवाइड कर देते इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 53 हो जाता है। तो इस तरह हम जो है निकाल सकते हैं, जैसे एक और लेते हैं एग्जाम्पल जैसे इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का, तो इसका मोलिकुलर वेट होता है 98 64 32 96 2 98। अब बटा अगर चार सेपरेशन करते हैं तो ये आ जाएगा H2SO4 में ये तो SO4 एक हो गया 1 है तो प्लस, H पर प्लस होता है ये 2-, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा 2-। आज इसको अलग करते हैं 2H+, तो इसका भी कितना हो गया 1H पर 1+ तो 2H पर 2+, तो टोटल चार्ज क्या हो गया 0 आ जाएगा, जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव यहाँ पर टोटल चार्ज पॉजिटिव आयन पर कितना हो गया 2+, नेगेटिव आयन पर भी कितना हो गया 2-, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 49। इस तरह इक्विवेलेंट वेट कंपाउंड का इसके पहले वाला जो बताया था उसे भी निकाल सकते हैं अलग अलग करके, या इस फॉर्म में भी रखकर हम निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे एसिडिटी और बेसिसिटी के आधार पर। हम एसिडिटी क्या है बेसिसिटी क्या है वो हम बताएंगे और उसके आधार पर एसिड का और बेस का इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे। तो उसमें आपको जो है स्ट्रक्चर माने बेसिसिटी कितना होगा किसी भी जिसका निकालना होता है एसिड का, उसका स्ट्रक्चर बनाकर हम निकाल सकते हैं, उसमें भी चार्ज सेपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा पार्ट इसमें चलेगा उसी में नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, ये आने वाले वीडियो में आपको ये दोनों मिलेगा। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।